तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के रियल बलवान यानी कि सुनील शेट्टी के बेटे यानी कि आहान शेट्टी ने अपने पहले ही फिल्म के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया है धमाल। यानी कि भैया उनकी फिल्म तड़प को देखने के बाद जनता यही बात बोलती नजर आ रही है कि भाई ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। तो भाई तड़प ने पहले दिन कितना कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर, वो रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि भैया तड़प ने पहले दिन कितने का कलेक्शन किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल बलवान यानी कि अन्ना के बेटे आहान शेट्टी की पहली फिल्म यानी कि भैया तड़प से। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं तड़प का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि भैया ये फिल्म कितने स्क्रीन पर रिलीज की गई है। तो दोस्तों तड़प को जो स्क्रीन्स मिले हैं उसकी संख्या है 1656 यानी कि 1656 स्क्रीन पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है। और भाई पहले दिन जबरदस्त ओपनिंग पाते हुए इस फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। यानी कि भैया आहान शेट्टी ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से लोगों के दिलों में अपने नाम का घर बना लिया है। और जिसको देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि ये फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन करके जाएगी। और इस फिल्म के माध्यम से भैया रास्ते तो खुल चुके हैं आहान शेट्टी के लिए। यानी कि भैया आने वाले दिनों में हम ये बात तो आहान शेट्टी के लिए नहीं कहेंगे कि भाई सुनील शेट्टी के बेटे यानी कि आहान शेट्टी, यानी कि भैया यहां पर अब हमें यह कहना चाहिए कि भैया आहान शेट्टी के पिता का नाम सुनील शेट्टी है। यानी कि भैया कुछ दिनों बाद लोग सुनील शेट्टी को आहान शेट्टी के नाम से जानेंगे। यानी कि भैया इस तरीके का परफॉर्मेंस तो किया है मेरे भाई आहान शेट्टी ने। और भाई एक बहुत बड़ी बात है सुनील शेट्टी के लिए कि उनका जो बेटा है वो उनसे भी 4 कदम आगे है एक्टिंग के मामले में। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।